हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ मुझे बहुत खुद नहीं मालूम। बस आप लोगों से बात करने का मन कर रहा है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के अरेस्ट होने के बाद से बहुत सारे मेरी इंडस्ट्री के ही कुछ ऐसे एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स जो छुपे हुए थे अपने बिलों में चूहे की तरह, वो अचानक से बाहर आ गए हैं और अब खुल के बोलने लग गए हैं कि वी सपोर्ट रिया। क्या सपोर्ट कर रहे हैं भाई आप लोग? उस लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं जिसका सिलसिलेवार तरीके से मैं अब आपको ब्यौरा देने जा रहा हूँ। वो कहती है कि ये लड़का सुशांत जिसकी डेथ हुई, मेरा बॉयफ्रेंड था, मैं इसके साथ में लिव इन में थी, इसको प्यार करती थी, प्यार करने की सजा मिली मुझे। ये 8 तारीख को उसका घर छोड़कर गई थी, जून की 2020 की, और जब गई थी तो सारी फोटोज उसकी अपने इंस्टाग्राम से डिलीट कर दी, उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। कहाँ का प्यार है भाई साहब ये? और फिर उसके बाद में, उसकी डेथ के बाद महीने भर बाद जब पब्लिक ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया तो उसने पैंतरा बदल लिया। उसने तुरंत अमित शाह जी को एक ट्वीट कर दिया कि सर, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरे प्रेमी, मेरे दिवंगत प्रेमी सुशांत सिंह राजपूत की सुइसाइड का खुलासा कीजिए, पता लगाइए कि क्यों हुआ है। पता करने के लिए पब्लिक किससे पूछेगी या पुलिस किससे पूछेगी? रिया चक्रवर्ती से? ये तो खुद ही संलिप्त थी या नहीं ये नहीं पता, लेकिन कुछ छुपा रही थी, ये तो सबको पता है। आप ऐसी लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद में इसके पैंतरे बदलते रहे। अब ये पुलिस के पास में गई 2 बार, एक बार नहीं 2 बार, और वहां पर जाकर इसने अपने बयान दर्ज कराए। मैं ये जानना चाहूंगा कि इन बयानों में क्या उसने ये बताया कि सुशांत के लिए ड्रग्स मुहैया कराती थी। अब 2 बातें हैं साहब, अगर इसने ये बताया है कि हाँ मैं ड्रग्स मुहैया कराती थी और पुलिस को ये बात मालूम है और पुलिस ने नहीं बताई, तो इसमें पुलिस से सवाल किया जाना चाहिए। और अगर इसने पुलिस को नहीं बताई तो क्यों नहीं बताई? इसका मतलब छुपाया, ये कल्प्रिट है, इसका मतलब बड़ी खुली सी बात है। और पुलिस की भी इसमें भूमिका देखिए, वो इससे ये बात क्यों नहीं निकलवा पाई? पुलिस को इससे ठीक से इसका मतलब पूछताछ करनी चाहिए थी और पुलिस ने नहीं की इससे। फिर वहाँ पर जब नारकोटिक्स ब्यूरो इससे पूछताछ कर रहा था तो इसे जब लगा कि मेरा बचना अब थोड़ा मुश्किल है, इसने उल्टा प्रियंका सिंह के ऊपर, जो सुशांत की बहन है, उसके ऊपर इसने जाके एक इल्ज़ाम लगा दिया पुलिस स्टेशन में, FIR दर्ज कराओ। कितनी बचकानी, कितनी ओछी हरकतें करेगी ये लड़की। लेकिन मुझे आप लोगों पर, जो आप लोग, वो लोग जो इसे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आप लोगों के ऊपर सोचता हूँ, भाई कहाँ है आप लोगों का ज़मीर, दिमाग? कुछ तो अकल कर लो आप लोग। Why the hell are you guys doing this? आप लोगों को क्या बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है? मैं समझता हूँ कई लोगों को थोड़ा सा जुदा बात करने का शौक होता है, कई लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट साउंड करने का शौक होता है। ऐसे होते हैं कई लोग कि पब्लिक से हट के बात करेंगे, हम तो कुछ अलग ही दिखेंगे। भाई ये इस समय अलग दिखने की ज़रूरत नहीं है, इस समय हट के बात करने की ज़रूरत नहीं है, इस समय इंसाफ की बात करने की ज़रूरत है। मैं नहीं कह रहा कि रिया चक्रवर्ती ने उसे मारा है, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने जो भी किया है वो बहुत खुले में दिख रहा है। मैंने तो नहीं कहा, नारकोटिक्स ब्यूरो कह रहा है। आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली बिहेव कीजिए। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लोग तो चलो ठीक है, कुछ तो फिल्म इंडस्ट्री के हैं भी नहीं, एक वो सुपरस्टार की बेटी है, वो भी आज तक चुप थी, वो अचानक से आ जाके बोलने लग गई है।